बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और बच्चों को प्यार। आप सभी का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। कल, जैसा कि आप जानते हैं, कल अमावस है। कल बहुत ही शुभ दिन है, शनि जयंती भी है और भौमवती अमावस भी है। तो कल का दिन और स्वार्थ सिद्धि योग भी है, तो बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। तो इस समय पर हमें लाभ उठाना चाहिए और बहुत ही सुंदर उपाय मैं आपको देने जा रही हूँ, और बहुत ही आसान और सिंपल उपाय है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको सूर्य ग्रहण और सूर्य और चंद्रमा का अर्घ देने के लिए लाल रंग का और सफेद रंग का पॉट जो है आपको तैयार करना है, और उसमें आपने अर्घ देना है अगर आप पूर्णिमा का या चंद्र का व्रत रखते हैं। तो आज का रहेगा हमारा भौम अमावस्या का रहेगा स्पेशल। अगर आपकी पत्रिका में सूर्य, मंगल और शनि, इन तीनों में से किसी भी ग्रह का अगर कोई भी पितृ ऋण है, तो आज के दिन आप यह इस तरह का पॉट जो है रेड कलर का, अंदर और बाहर दोनों तरफ से रेड कलर का पेंट हो और बीच में प्लेन मिट्टी उसमें डली हुई हो, उसमें कोई भी पौधा नहीं होना चाहिए, आप इस तरह से इस पॉट को आज के दिन तैयार कर लें। और आज से लेकर के 43 दिन तक लगातार आप इसमें जो है अर्घ देंगे, सूर्य को अर्घ देंगे। उसमें आप कोई भी लाल चीज डाल सकते हैं, लाल चंदन का बुरादा डाल सकते हैं या फिर रोली डाल सकते हैं, वह डाल करके ही आपने अर्घ देना है। अगर आज आप अर्घ नहीं दे पाते हैं, सिर्फ पॉट को ही तैयार करके रख लीजिए इस शुभ मुहूर्त में, और अगले मंगलवार से आप जो है या अगले अमावस से आप अर्घ देना शुरू कर सकते हैं, और 43 डेज का कंटिन्यूअस आप जो है जल अर्पित करेंगे सूर्य जी को, तो आप देखेंगे कि आप को विदिन 90 डेज आपको आभास हो जाएगा कि आपका जो पितृ ऋण की वजह से किसी भी प्रकार के अगर कष्ट आपको बन रहे थे, तो उसका निवारण होगा। दूसरा रहेगा, जो लोग जिनके पत्रिका में मंगली दोष है या किसी भी प्रकार से मंगल की उपस्थिति के कारण शादी होने में बहुत देर हो रही है या उस तरह के कष्ट आ रहे हैं, तो उस केस में आप आज के दिन इस शुभ मुहूर्त में इस प्रकार से आप इस पॉट को तैयार करके रख लीजिए, उसका आपको बहुत ही सुंदर लाभ होगा। इस पॉट में कोई भी पौधा आपको नहीं लगाना है। और जो लोग सरकारी या गवर्नमेंट जॉब्स की या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे, वो बच्चे आज के दिन इस पॉट में एक लाल रंग का बरगद का छोटा सा प्यारा सा पौधा लगा करके आप जो है किसी भी धर्म स्थान में आप रख कर आए, तो उसका आपको बहुत सुंदर लाभ होगा। और जिन बच्चों की शादियों में कष्ट हो रहा है, वह जो है इस पॉट में सफेद रंग के या येलो रंग के फ्लावर्स का कोई भी पॉट आप लगा दें, चाहे अभी फ्लावर्स ना भी आ रहे हो, फिर भी आप जो है प्लांट ले सकते हैं जिसमें कि येलो फ्लावर्स आए या व्हाइट फ्लावर्स वाले हैं, आप उनको जो है किसी भी धर्म स्थान में इस पौधे में पॉट में लगा करके दे आए। अगर आज आप पौधा नहीं ले पाते हैं, तो खाली आप इस पॉट को ही तैयार करके रख लें, और आने वाले शुक्रवार वाले दिन आप इस तरह से उसमें एक पौधा लगा करके और धर्म स्थान में रखकर आए, और अपने मन में अपनी प्रार्थना को कहें कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिले, मेरा विवाह हो। जिन दंपतियों को जो है संतान के प्रति किसी भी प्रकार का कष्ट आ रहा है, उन दंपतियों के लिए आप इस तरह से लाल पौधा इसमें बना करके और पॉट लगा करके लाल बना करके, और उसमें जो है आप बरगद का छोटा सा सुंदर सा कहीं से भी आप पौधा लेकर के उसमें लगा करके आप अर्पित करें। दूसरा रहेगा, जिन लोगों को जो है मंगल की वजह से अगर संतान उत्पत्ति में बार बार एबॉर्शन हो जा रहा है या संतान उत्पत्ति में कष्ट आ रहा है, तो वह भी जो है इसमें इस तरह से पॉट तैयार करके और उसी में जो है बरगद का या जो भी जो पौधा फूलों वाला आपको बहुत अच्छा लगता हो, किसी भी प्रकार के पुष्प, जो पुष्प आपको बहुत अच्छे लगते हो, सुंदर लगते हो, आप उन फूलों का पौधा उसमें लगा करके आप किसी भी धर्म स्थान में दें। अगर आज पौधा नहीं भी आप ले पाते हैं, तो मैं फिर रिपीट करूंगी, आज के दिन आप इस पॉट को अवश्य तैयार करके रख लें, और आने वाले किसी भी सोमवार को या शुक्रवार को आप निसंतान दंपत्ति हैं, तो आप को जो है फूलों वाला पौधा कोई भी लगा करके या बरगद का पौधा लगा करके आप किसी भी धर्म स्थान में रख कर आए, आप देखेंगे आपको बहुत सुंदर लाभ होगा। और जो दंपति हैं जिनको या जो भी पर्सनली फील करते हैं कि जिनको कि सूर्य शुक्र की युति के कारण किसी प्रकार का कष्ट आ रहा है या बार बार अबॉर्शंस हो जाते हैं,
वह इस तरह के जो हैं कम से कम 8 पॉट बना करके किसी भी धर्म स्थान में आप अर्पित कर दें, ताकि उनमें यूज हो जाएगा, बाद में यूज हो जाएगा किसी, आपको खाली पॉट ही मिट्टी के साथ तैयार करके आप किसी भी धर्म स्थान में दे दें। और अगर उसमें फूलों के आप लगा सकते हैं 8 पौधे तो बहुत ही उत्तम होगा, अति उत्तम होगा, उस प्रकार से आप करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको लाभ होगा। आप इसको बेल आइकन को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को इस शुभ मुहूर्त का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो पाए और आगे आने वाली वीडियोस आपको जो है सभी प्रकार की उपलब्ध हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।